कांग्रेस पार्टी के पापों के कारण आज पूरा झारखंड शर्मसार हुआ है कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसद के यहां से 300 करोड़ और उससे भी कहीं अधिक राशि अभी मिलने का बात हुआ है, आई आ रही है सामने, और लगातार नोट गिनने वाला मशीन भी खराब हो जा रहा है। तो इससे झारखंड पूरा शर्मसार हुआ है। गरीबों की गाड़ी कमाई को लूटने वाले ऐसे सांसद को इनकम टैक्स विभाग गिरफ्तार करते हुए और उसको ईडी को सौंपने का काम करे, आखिर ये गरीबों का पैसा, गरीबों का हकमारी किया हुआ पैसा, जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे, और गरीबों के मोदी जी की गारंटी है कि गरीबों का खाया हुआ पाई पाई पैसा उनको लौटाना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस काले चेहरे को बेनकाब करती है और राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग करती है कि हेमंत सोरेन सरकार लगातार भ्रष्टाचार के काले कारनामों के साथ इनके हाथ डले हुए हैं, लगातार ईडी उनके घर पर दस्तक दे रही है। इसीलिए इस सरकार को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और जो वैधानिक पहलू है उसके तहत कार्रवाई करना चाहिए। हम राज्य की जनता की अदालत में आए हैं और वैधानिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी गरीबों के लूटने वालों का खिलाफ कार्रवाई के लिए मांग करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।